की तो बताएंगे एल्बम के बाद क्या है, किस तरह एल्बम है, क्या है ये? मैम बता दीजिए. इट्स अ रोमांटिक एल्बम एंड वी आर अ न्यू कमर्स, सो होप सो आप लोगों को पसंद आए, आप लोग एंजॉय करें. आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, मेहनत कर रहे हैं, तो देखते हैं, लेट्स सी. इट्स सैड रोमांटिक है, जैसे नितेश भाई ने. इट्स अ सैड रोमांटिक, सो फीलिंग्स के साथ थोड़ा सा इमोशनली हम लोग, एंड इट्स टच फॉर अ सूफी टच. और शाहिद सर ने बहुत अच्छा गाना गाया, तो वी आर हैप्पी फॉर दिस. तो कैसे आपको ये गाना मिला? आपको इसके पहले आपने क्या किया है बताएंगे? इससे पहले आई एम अ प्रोड्यूसर, जस्ट ओनली, ही इज आल्सो अ प्रोड्यूसर, तो एंड ही आल्सो अ मॉडल. आई वाज इनटू एक्टिंग एंड देन मॉडलिंग, नाउ डूइंग दिस एल्बम. ये पहला प्रोजेक्ट है आप लोगों का? या दिस इज, दिस इज, आई हैव डन शॉर्ट फिल्म्स बट नॉट एट लाइक दिस लेवल. दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट गोइंग टू बी एयर लाइक दिस. अच्छा, हर वीडियो की कहानी होती है, गाने की कहानी. तो क्या कहानी स्टूडियो की है जो बनाने वाला, जो करने वाला आप लोग फ्यूचर? इस एल्बम की बात जी, कर हाँ, इस एल्बम में पूरी कहानी, एक पूरी फिल्म है जो हम अभी आपको लोगों को नहीं बताएंगे. एक पिक्चर देखने को मिलेगा आपको 5 मिनट में, बहुत इमोशनल और बहुत ही अच्छी तरीके से. 3 आवर्स की फिल्म आपको एक सॉन्ग में, 5 मिनट आपको देखने को मिलेगा. और ये कमल सर हमारे डायरेक्टर है, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है और वही आपको अच्छे समझा पाएंगे, तो आई थिंक उनको बताना बेटर रहेगा. जो म्यूजिक दिया है, क्या कैसे आपको फील हो रहा है? या वी आर वेरी हैप्पी अकॉर्डिंग टू म्यूजिक डायरेक्टर, अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड अकॉर्डिंग टू माय डायरेक्टर, राइट? दैट्स बेसिकली पूरा एक लाइन पे ही जा रहा है, लाइक स्टोरी लाइन पे म्यूजिक, जो लिरिक्स एंड एवरीथिंग. आपके जो ऑडियंस है उनके लिए क्या कहेंगे आप? ऑडियंस से मैं यही कहूंगी कि प्लीज 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 इस गाने को बहुत पसंद करें, नहीं भी पसंद आए फिर भी लाइक करें, पसंद करें और इसे फेमस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये आपसे रिक्वेस्ट है. और हम लोगों को अगले वीडियो में देखना है, तो प्लीज इसको प्रमोट करें जितना हो सकता है. शहीदों के लिए क्या कहेंगे दो शब्द? शहीदों के लिए आपने बहुत इमोशनल क्वेश्चन कर दिया, ये बहुत ही टफ होता है. इट्स वेरी टफ कि आपके देश में ये सब कुछ हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पाते. हम कुछ नहीं कर पाते, सबसे बड़ी गंदी फीलिंग ये आती है अंदर से. आई एम फ्रॉम बेसिकली आर्मी बैकग्राउंड, मेरे डैड भी आर्मी में है और जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे दुख होता है. मेरे पापा 1999 वॉर में भी थे और मतलब अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो आई एम रेडी. गवर्नमेंट बुलाएगी तो ऑब्वियसली वी कैन गो. कल रात को मीरा रोड में बम ब्लास्ट हुआ, उसके लिए क्या मतलब फील कर रहे हैं आप? जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद कल रात को मीरा रोड में हुआ बम ब्लास्ट, क्या क्या होंगे सर, क्या फील कर रहे हो आप? ये एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं होती है सर, ये हम जस्ट सिंपैथी बट वी कांट डू राइट नाउ. मोदी जी को क्या अब क्या बोलोगे सर? ही इज अ गुड प्राइम मिनिस्टर एज यू एवरीवन नोस, लाइक लेट्स सी क्या डिसीजन लेते हैं इस चीज पे, वो उनका क्या डिसीजन रहेगा, क्या करने वाले हैं. सब लोग चाहते हैं कि रिवेंज हो, रिवेंज का मतलब फाइट, जो भी सॉल्यूशन होगा वो वही बता सकते हैं. बट हां, जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा वी आर रेडी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच.